हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे सभी हमारे दोस्त जो कि अपना खुद का कंप्यूटर सेंटर, हार्डवेयर ट्रेनिंग सेंटर, ब्यूटीशियन, सिलाई कढ़ाई या इस तरह के किसी भी कोर्स के ट्रेनिंग सेंटर को चला रहे हैं, आज का वीडियो इन्हीं के लिए ही बना है और इनके लिए बहुत ही उपयोगी है। ऐसे दोस्त जो कि इस तरह का अपना ट्रेनिंग सेंटर खोलना चाहते हैं, आज का वीडियो उनके लिए भी बहुत उपयोगी है। तो इसको आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, जब आप ट्रेनिंग सेंटर चलाते हैं तो उस समय जब आप बच्चों को सर्टिफिकेट देने जाते हैं तो एक बड़ी समस्या आती है कि बच्चे आजकल ऑनलाइन सर्टिफिकेट की डिमांड करते हैं। ऑनलाइन सर्टिफिकेट जो बच्चों को इशू किया जाता है तो बाद में बच्चे जब कभी नौकरी के लिए कहीं सर्टिफिकेट लगाते हैं और उनका ऑनलाइन सर्टिफिकेट होता है तो उसको आसानी से एम्प्लॉयर वेरीफाई कर सकता है, और यदि वही ऑनलाइन सर्टिफिकेट नहीं है तो उसकी मान्यता थोड़ी कम हो जाती है। ये एक ऐसी परेशानी है जिससे कि हम सभी सेंटर वालों को रूबरू होना पड़ता है, और इसी ऑनलाइन सर्टिफिकेट के उपाय के लिए फिर वो किसी न किसी की फ्रेंचाइजी ले लेते हैं। दोस्तों, फ्रेंचाइजी का जब आप सर्टिफिकेट देते हो तो उसमें आपका कुछ नहीं होता, वो सब फ्रेंचाइजी वालों का होता है। उनका प्रचार होता है, उनका सिग्नेचर, उनका मुहर होता है। आपका नाम केवल एक पतली सी स्टडी सेंटर के रूप में दे दिया जाता है। यहाँ तक कि जब वो सर्टिफिकेट लेके बच्चा ऑनलाइन वेरीफाई करने फ्रेंचाइजी वाले की वेबसाइट पर जाता है तो वहाँ पर वो अपनी फ्रेंचाइजी बेच रहा होता है। तो जल्दी ही आपके अगल बगल में और भी नए नए फ्रेंचाइजी सेंटर खुल जाते हैं और जिससे आपका बिजनेस कम हो जाता है। इन्हीं सब परेशानियों को देखते हुए हम लोगों ने बहुत ही अच्छा सिस्टम डेवलप किया है जो कि आप लोगों के लिए ही है, आपकी सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, और उसके बारे में ही हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए एक मैं कंप्यूटर सेंटर है उसको मैं सर्च कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने उसका नाम दिया YDDS कंप्यूटर, और अब जहाँ मैं सर्च करने लगूँगा तुरंत आप देखिए गूगल के पहले पेज के पहला रिजल्ट में आ रहा है YDDS कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और यहाँ पे क्लिक करके कोई भी इनकी वेबसाइट को खोल सकता है, इनकी सारी चीज़ों को देख सकता है, इनके यहाँ कौन कौन से कोर्स चल रहे हैं, इनके यहाँ क्या पढ़ाया जा रहा है। खास बात यह है कि ये इनकी अपनी वेबसाइट है, ये किसी फ्रेंचाइजी की नहीं है। इसी तरह से आपकी अपनी वेबसाइट अपने ट्रेनिंग सेंटर का अपना वेबसाइट बन जाएगा। इस वेबसाइट पे बहुत सारे यूनिक फीचर हैं, जैसे कि आप इस वेबसाइट को जब स्क्रॉल करके नीचे आओ तो देखिए जिन बच्चों का सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो दिख रहा है यहाँ पर। आप थोड़ा और नीचे आएंगे तो यहाँ पे बच्चों को पढ़ने के लिए सैकड़ों आर्टिकल मिलेंगे। अब जैसे आप देख रहे हैं इस समय आर्टिकल खुले हुए हैं, और यही हम इस पेज को रिफ्रेश कर देते हैं तो ये सारे आर्टिकल बदल के नए आर्टिकल आ जाएंगे। तो हर बार बच्चा जब भी आपकी साइट खोलेगा उसको नया आर्टिकल मिलेगा, वो इन आर्टिकल्स को खोल के इसकी पढ़ाई कर सकता है। बच्चों के पढ़ने के लिए यहाँ पे आईटी वर्ल्ड का भी एक कॉलम इस वेबसाइट पे मिलता है। इसके अंदर जाके बच्चे किसी भी संबंधित जिस तरह के आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं उस तरह के आइटम के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर जगत के बारे में जानना चाहते हैं, इसके ऊपर क्लिक किया और उससे संबंधित आर्टिकल इसको मिल गए। अब देखिए यहाँ पे सॉफ्टवेयर से संबंधित आर्टिकल इनको दिख रहे हैं। तो ये सब कुछ आपकी अपनी वेबसाइट पे होता है। अब होम पेज पे आप जो देख रहे हैं, ये बैनर देख रहे हैं, ये सब कुछ आप अपना खुद से बदल सकते हैं। जैसे कि हम आपको एक और कंप्यूटर सेंटर की वेबसाइट दिखा रहे हैं, ये देखिए। तो इन्होंने अपना टॉप बैनर, ये नीचे का बैनर, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये सब कुछ अपना चेंज कर दिया। तो इसका पूरा पावर आपके पास होता है। आप जब चाहे बैनर में फोटो ऐड कर सकते हैं, अपना टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, कोर्स पेज में क्या ऐड करना है, कौन कौन से कोर्स डालने, ये सब आपके पास पावर होता है। अबाउट पेज पे क्या रहेगा, कॉन्टेक्ट अस में क्या रहेगा, कल की डेट में आपकी दो ब्रांच और बढ़ जा रही है, तो वो सब आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो इसका पूरा पावर हम लोग आपको देते हैं। आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि वेबसाइट में नीचे यहाँ पे दो लिंक, एक चैट का और एक यहाँ पे फ़ोन का लिंक दिख रहा है। जब आप इस वेबसाइट को मोबाइल से कोई भी, मान लीजिए कोई स्टूडेंट आपकी वेबसाइट मोबाइल से खोलेगा तो यहाँ पे एक बटन दबा के चैट पे जब क्लिक करेगा तो वो मैसेज आपके व्हाट्सएप पे चला जाएगा। इसी तरह से इस पे जब क्लिक करेगा तो सीधा उसका डायलर खुलेगा और वहाँ से वो फ़ोन डायल करके आपका नंबर उस पे अपने आप आ जाएगा, वहाँ से वो डायल करके आपसे बात कर सकता है। इसी तरह से इंक्वायरी फॉर्म भी हम लोग देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ बच्चे ने, किसी ने कोई इंक्वायरी डाल दी, अपना नाम और ईमेल एड्रेस मोबाइल नंबर डाल के कमेंट डाल के सबमिट कर दिया,
तो वो इंक्वायरी आपके पास चली आएगी। दोस्तों इस वेबसाइट के साथ साथ हम लोग आपको कंट्रोल पैनल भी देते हैं। जैसे ये देखिए, ये हमारा कंट्रोल पैनल है। इस कंट्रोल पैनल में आप यहाँ पे आके बच्चों का एडमिशन करेंगे, न्यू एडमिशन में जाके न्यू स्टूडेंट करेंगे तो वहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। न्यू एडमिशन में आपको बहुत बेसिक चीज़ें डालनी है, नेम, गार्जियन नेम, मोबाइल नंबर, कोर्स और फोटो। जब आप बच्चों का एडमिशन ले लोगे तो आप उनको एडमिशन फॉर्म चाहो तो तुरंत प्रिंट करके दे सकते हो। जैसे कि हम आपको दिखाते हैं, ये एक डेमो अकाउंट है, रुकिए हम आपको दूसरा दिखा रहे हैं। ये हमने प्रिंट पे क्लिक किया और देखिए ये स्टूडेंट का ये एडमिशन फॉर्म आ गया। इसके ऊपर फोटो वगैरह सब कुछ होगा और यहाँ पे उसका जो है लॉगिन डिटेल भी आएगा। आप इसको प्रिंट करके बच्चों को दे सकते हो। तो इस तरह से आप डिजिटल एडमिशन फॉर्म बना के दे सकते हो, आपको एडमिशन फॉर्म छपवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक इसी प्रकार जब आपको फ़ीस रिसीव करना है तो उसके लिए आप फीस अकाउंट में आइए। फीस रिसिप्ट में आपने जाके यहाँ पे न्यू रिसिप्ट किया, तो न्यू रिसिप्ट करने के बाद आप यहाँ पे बच्चे की रिसीविंग बना के सबमिट कर दोगे। इसमें आप ये डालोगे कितना पेड हुआ, कितना बैलेंस है, कौन सा स्टूडेंट है, और उसके बाद आप इसको रिसीव कर लेंगे। और जब आपकी फ़ीस रसीद कट जाएगी तो आप उसको इस तरह से डिजिटल रसीद प्रिंट करके दे सकते हो। जैसे कि हम आपको दिखा सकते हैं, देखिए यह है फीस की रसीद, स्टूडेंट का नाम, डिटेल सब कुछ आ रहा है, यहाँ पे इसका बार कोड आ रहा है और यहाँ पे इसको लॉगिन डिटेल भी मिल रहा है। आप जब भी बच्चों का एडमिशन लेंगे, आपकी वेबसाइट पे बच्चों का एक स्टूडेंट कॉर्नर है, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट कॉर्नर दिख रहा है, आप इसके अंदर आएंगे तो कोई भी स्टूडेंट अपना स्टूडेंट कॉर्नर में जाके अपना मोबाइल नंबर डालेगा, अपना पासवर्ड डालेगा। पासवर्ड कंप्यूटर जनरेट करता है जब उसका एडमिशन होता है। तो जब वो अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालेगा और वो अपना चेक रिकॉर्ड करेगा तो यहाँ पे उसको पूरा डिटेल दिख जाएगा, क्या नाम, गार्जियन नेम क्या है, कब फीस जमा की, कौन से कोर्स में एडमिशन लिया, कितनी, देखिए यहाँ नीचे दिखा रहा है किस तारीख को किस रिसीव नंबर से किस महीने की कितनी फीस जमा हुई, कितना बाकी है बैलेंस। नीचे ये भी दिखा रहा है कि इन्होंने ऑनलाइन एग्ज़ाम कब कब दिया। इस वेबसाइट के साथ ऑनलाइन एग्ज़ाम का भी आपको सुविधा मिल जाता है। अब जैसे हम इस पर चेक कर रहे हैं तो ये इनका रिजल्ट दिखा रहा है कि इस एग्ज़ाम में 21 नंबर पाए। वो इस एग्ज़ाम के ऊपर क्लिक करके उसका डिटेल भी देख सकते हैं। देखिए इन्होंने कौन कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया उसके ऊपर, जैसे ये 5वें नंबर पे इन्होंने सी को सेलेक्ट किया जबकि सही था बी। तो इस तरह से जो है इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आंसर सब मिल जाएंगे और बच्चे जो है अपना चेक कर सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या क्वेश्चन सॉल्व किया और क्या रिजल्ट था। स्टूडेंट के लिए ही इसमें ऑनलाइन पेपर का भी ऑप्शन है। यहाँ पे जो बच्चे CCC या इस तरह के ऑनलाइन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनके लिए विशेष रूप से बहुत उपयोगी है। इसमें बच्चा आता है, अपना मोबाइल नंबर डालता है और वही अपना पासवर्ड डाल के जहाँ बच्चे ने लॉगिन किया तो अब यहाँ पे उसको CCC का एक क्वेश्चन दिख जाएगा। यहाँ पे ABCD ऑप्शन है, इसमें ABCD भी मिलेगा, ट्रू फॉल्स भी मिलेगा। बच्चा चूंकि प्रैक्टिस कर रहा है तो यहीं पे कंप्यूटर बताएगा कि ये करेक्ट है कि रॉन्ग है। देखिए अब ये रॉन्ग हो गया, ये जो है वो करेक्ट था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक करेगा तो उसको अगला क्वेश्चन आ जाएगा। आप देख सकते हैं अभी हम क्वेश्चन नंबर 776 पे हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 14435 पे आ गए। इस सिस्टम में आपको हम लोग लगभग लगभग 18,500 क्वेश्चन देते हैं। तीसरा जो उपयोगी है वो है बच्चों का ऑनलाइन सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन। आप जो भी बच्चों का सर्टिफिकेट बनाते हैं अपने सिस्टम में, उसको बनाना बहुत ही आसान है और जब आप सर्टिफिकेट बनाएंगे तो वो आपके सर्टिफिकेट रजिस्टर में आ जाता है। अब सर्टिफिकेट रजिस्टर में आप आएंगे और जिस रसीद, जिस सर्टिफिकेट को आपको प्रिंट करना है, बस आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे और इस तरह से उसका पूरा सर्टिफिकेट बन के आ जाएगा। ये जो सर्टिफिकेट सारे बनते हैं ये आपकी वेबसाइट से वेरीफाई भी होंगे। जैसे देखिए यह है सर्टिफिकेट, तो इनका सर्टिफिकेट नंबर ये है। अब यदि इस सर्टिफिकेट को लेके कहीं जॉब के लिए जाएंगे तो वहाँ पे ये सर्टिफिकेट जो जॉब जहाँ पे अप्लाई करेंगे वो आपकी वेबसाइट पे आएगा, वेरीफाई सर्टिफिकेट करेगा और यहाँ पे वो पेस्ट करेगा, अरे सर्टिफिकेट नंबर डायल करेगा, डालेगा तो यहाँ पे पूरा सर्टिफिकेट बन के आ जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि इसमें आपका अपना खुद का सर्टिफिकेट जिस पे आपका अपना सिग्नेचर, अपना मोहर, अपना लोगो है, इसमें किसी दूसरे का कोई काम नहीं है और ये सारा कंट्रोल भी आपके पास है। आप 2 मिनट में किसी को भी सर्टिफिकेट बना के इशू कर सकते हो। ये बहुत ही आसान सिस्टम है और बहुत ही उपयोगी सिस्टम है। उम्मीद करते हैं आप लोगों के लिए उपयोगी होगा।